हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पासबुक के प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि आप सभी के लिए पासबुक लॉन्च हो चुकी है, जहां पर आपके मार्क्स हमारे लिए आप सबके लिए मनी की तरह है। स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री साइंस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और एकदम मस्त तरीके से धूम मचाने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हर जगह पर इसे स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि पासबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक एसेसिबल करा रहा है। आप सभी का अमेजिंग अमेजिंग तरीके से आज यहाँ पर स्वागत है, वेलकम है। आइए डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान, अगर हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में, अगर हम बात करें तो साइंस से किस किस तरह का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। इससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट, कहते हैं स्टूडेंट, टॉपर्स मेक अ प्लान एंड अ प्लान मेक्स यू अ टॉपर। जितने भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो क्लास में टॉप करते हैं, पहली बात तो ये लोग ना कुछ मतलब अलग नहीं होते, एलियन नहीं होते, आपकी तरह ही होते हैं। और हर किसी के अंदर स्टूडेंट कैपेबिलिटी या टॉपर बनने की, बस ये बात खास होती है इनके अंदर कि ये लोग क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और यही प्लान इन्हें टॉपर बनाता है। तो कहा जाता है कि जब भी आप पढ़ने बैठे एक स्ट्रैटेजी जरूर बना लीजिएगा, एक टाइम टेबल जरूर बना लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। मैं अपने हर एक एस्पिरेंट से ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो अपने आप को चार्ज अप रखिएगा, अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो सिलेबस डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का कि भैया केमिस्ट्री में ये पता लग जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है तो हमारा बहुत कुछ अमेजिंग तरीके से शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली डिफाइन है, मैटर इन आर सराउंडिंग्स। फिर स्टूडेंट आता है आपका चैप्टर नंबर 2, विच स्टेट्स इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 रहेगा आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, जिसमें हम एटम्स के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हुए चलेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल एनिमेटेड क्लासेस आपके लिए तैयार की गई है और आपको बहुत मजा आएगा। आप सभी बस एक बार सभी के सभी पासबुक के साथ जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी को बता दीजिए पासबुक आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एसेसिबल है। और स्टूडेंट, मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप सभी बस तैयार हो जाइए, गेट रेडी टू एक्सपीरियंस एन अमेजिंग जर्नी अहेड, जो कि बहुत ही ऑसम होने वाली है। तो शुरुआत करेंगे कल से, हम मिलते हैं आपसे कल पहले पहले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।